श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी किराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में जुड़े इन संस्था से सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चालक, क्या कंडक्शन, चालक। चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जब उस पर कोई बाह्य क्षेत्र लगाया जाता है तो उसमें आवेश प्रवाह होता है तो उसे या उस पदार्थ को चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिस पर बाह्य क्षेत्र लगाने से बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से उसमें आवेश प्रवाह होता है तो उसे चालक कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि, ये सब वे पदार्थ हैं जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। दूसरा पदार्थ है विद्युत रोधी, या अचालक वे पदार्थ जिस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच आदि, ये सब विद्युत, कागज इत्यादि ये सब है, यह विद्युत रोधी है और ये चालक है। वे पदार्थ जिससे बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर उसमें आवेश का प्रवाह होता है तो उसे चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। चालक पदार्थ जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि, अचालक पदार्थ लकड़ी, कांच, कागज इत्यादि, ये सब अचालक पदार्थ है। क्यों इसे चालक, क्यों अचालक है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जबकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इस जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे मुक्त इलेक्ट्रॉन उस धातु में, उस पदार्थ में एक स्थान दूसरे स्थान तक गमन करते हैं, गत करते हैं, जबकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। विद्युत रोधी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इसलिए इसमें गमन नहीं करते हैं, तो ये विद्युत रोधी पदार्थ हुए। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे चालक पदार्थ होते हैं। अगले हेडिंग क्या, चालकों में मुक्त तथा बद्ध। चालकों में मुक्त अथवा तथा बद्ध बद्ध आवेश चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु में या परमाणु के तीन मूल कण होते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन परमाणु के अंदर एक दृढ़ भाग होता है उसमें रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन वृत्ति कक्षाओं में गत करते रहते हैं।
इस तरह से वित्तीय कक्षाओं में गत करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन वित्तीय कक्षाओं में गत करते थे। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। किसी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी उतने होते हैं। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा बराबर होती है, लेकिन इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन है। इसी कारण संपूर्ण परमाणु जो होता है उदासीन होता है। नाभिक द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगाया जाता है, कूलाम के नियमानुसार कूलाम बल कार्य करता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन बधे रहते हैं। सबसे नाभिक के पास वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बधे रहते हैं, नाभिक के पास वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वे अधिक शक्तिशाली बंध से बधे रहते हैं, जबकि आउटर मोस्ट बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक द्वारा उस पर लगाया गया कूलाम बल छीड़ होता है। इसी कारण नाभिक के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन वह मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वह परमाणु को छोड़ करके धातु में एक स्थान दूसरे गमन करता है। इसी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर परमाणु से बाहर कक्षा में आ जाता है तो नाभिक धनावेशित हो जाता है, लेकिन ये अपनी कक्षा नहीं छोड़ता है, नाभिक अपने स्थान पर रहता है, ये नहीं जाता, ये जालक के रूप में बधा रहता है, ये धनावेशित जालक के रूप में बधा रहता है। जब इसी धातु पदार्थ पर हम वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह एक दिशा में गमन करते हैं, अर्थात उनकी गमन करते हैं, जिससे वे चालक पदार्थ कराते हैं या उसमें धारा बहने लगती है। इसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए फिर से चालक बता दिए, चालक क्या है, वे पदार्थ जिस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से उसमें आवेश प्रवाह होता है, ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। वे पदार्थ जिस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने से आवेश प्रवाह नहीं होता है, उसे अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। चालक पदार्थ में जैसे सोना, चांदी, लोहा इत्यादि है। अचालक पदार्थ में जैसे कांच है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब क्या अचालक फाइबर है, ये सब अचालक पदार्थ है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और उसमें जो चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगली हेडिंग पढ़ेंगे चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। चालकों में मुक्त तथा बद्ध आवेश। देखिए प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के मूलतः है तो बहुत से कण, लेकिन मूलतः तीन कण होते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। परमाणु के अंदर एक दृढ़ भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पर आवेश का मात्रा समान रहती है, लेकिन उनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। नाभिक के समीप कक्षा में रहने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाया गया कूलाम बल अधिक होता है,
इसलिए वे अपनी कक्षा छोड़कर नहीं जाते। लेकिन नाभिक के सबसे दूर कक्षा वाले बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक से लगाया गया कूलाम का बल क्षीण या कमजोर होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन परमाणु छोड़कर धातु में मुक्त उसे गमन घूमते रहते हैं। इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन इसीलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर धन आवेश आ जाता है। यह धन आवेश बद्ध आवेश होता है, क्योंकि ये अपने एक स्थान दूसरे स्थान नहीं जाता है, यह जालक के रूप में बधा रहे अपने स्थान पर रहता है। जब इस पर हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गमन करते हैं, एक दिशा में गमन करते हैं जिससे उस चालक में धारा बहने लगती है। अगली हेडिंग देखिए, वैद्युत धारिता तथा इसकी परिभाषा जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसी अनुपात में उसका विभव भी बढ़ता है। किसी चालक को आवेश देने से उसी जैसे जैसे उसके आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हैं उसी अनुपात में उस चालक का विभव मतलब ऊर्जा एक प्रकार विभव बढ़ता है। माना किसी चालक को क्यू कूलाम आवेश देने से किसी चालक को क्यू कूलाम आवेश देने से उसका विभव भी हो जाता है तो क्यू समानुपाती भी या क्यू इक्वल टू सी भी, जहाँ सी एक नियतांक है या सी इक्वल टू क्यू बटे भी। वैद्युत धारिता देख किसी चालक को आवेश देने की माप ही उसकी माप संग्रह आवेश संग्रह की माप होती है। माना जैसे किसी चालक को हम क्यू आवेश देते हैं या क्यू आवेश देने से उस चालक का विभव भी हो जाता है, या अर्थात आवेश की मात्रा थोड़े जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं उस चालक का विभव बढ़ता जाता है। माना किसी चालक को क्यू कूलाम आवेश देने से उसका विभव भी हो जाता है,
तो क्यू समानुपाती भी। इसका अर्थ है क्यू जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा वैसे वैसे भी का मान बढ़ता जाता है। क्यू समानुपाती भी क्यू इक्वल टू सी भी, जहाँ सी एक नियतांक है।